नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो भाइयों, आज जा रहा हूँ मैं कहाँ पे दिख जाएगा थोड़ी देर में, और टेस्ट ड्राइव करने जा रहा हूँ बेसिकली एक गाड़ी की जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और कितनी ट्रेंडिंग में आपको पता चल जाना चाहिए कि उस गाड़ी की अभी तक बुकिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन ऐड टू कार्ट वो गाड़ी बहुत लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। और डीजल में भी वो गाड़ी, पेट्रोल में भी आ रही है, ऑटोमेटिक में भी आ रही है, मैनुअल में भी आ रही है, और 4x4 में भी आ रही है। तो कौन सी गाड़ी है दिख जाएगी आपको थोड़ी सी देर में, तो चलो। बिग डैडी ऑफ एसयूवीज यानी कि महिंद्रा की स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो के आज टेस्ट ड्राइव करता हूँ और बताता हूँ कि संक्षेप में गाड़ी कैसी है, तो चलो यार। आ चुके हैं भाई स्कॉर्पियो में। तो ये वाली जो स्कॉर्पियो, ये है भाई पेट्रोल का मॉडल जो प्रोड्यूस करता है अपना 200 HP और 380 Nm का टॉर्क। भाई टॉर्क पेट्रोल की गाड़ी के हिसाब में बहुत प्यारा है। ये वाला मॉडल है भाई ऑटोमेटिक, बेल्ट लगा लेते हैं एक बार। तो ये वाला मॉडल है भाई ऑटोमेटिक, टॉर्क कन्वर्टर आता है 6 speed का, भाई बहुत प्यारा। स्टेयरिंग रिस्पॉन्स की बात करूँ, बहुत लाइट स्टेयरिंग है, जो बोलते हैं ना फेदर लाइट, एकदम हल्का स्टेयरिंग है भाई। अब हल्का सा एक्सेलरेट करूं तो 200 HP, ओहो पूरा दिखा रहा है भाई, 200 HP वाली ताकत दिखा रही है गाड़ी, सीट पे चिपका देती है। जहां तक मुझे लग रहा है तो इस स्कॉर्पियो की मार्केट, मतलब ये स्कॉर्पियो अपनी ही XUV700 की मार्केट कहीं ना कहीं खाएगी। इंडिकेटर की आवाज तो 700 वाली है। सस्पेंशन की बात करूं तो 700 के मुकाबले में भाई सॉफ्ट है सस्पेंशन, जो 700 का है वो थोड़ा सा स्टिफ ज़्यादा है, ये वाला सॉफ्ट है। तो फिर राइड हल्की सी बम्पी है, थोड़ी सी झुला रही है, पर कोई आवाज़ नहीं है, कोई परेशानी वाला काम नहीं है। एक्सेलरेट तो भाई बहुत प्यारी हो रही है। तो अरे बड़ी गाड़ी है ना ये, इनमें पता नहीं क्या हो गया, ये पता ही नहीं लगता कि तुम बड़ी गाड़ी चला रहे हो। कोई हैवीनेस नहीं ना स्टेयरिंग में, ना ही मतलब मैन्यूवरिंग में कोई हैवीनेस नहीं है। साइज साइज में बड़ी है, चलाने में भाई छोटी सी गाड़ी लगती है ये, एकदम हल्की। सही चल रही है यार, ऊंचाई पूरी दे रखी है, मतलब पूरा ऊपर बैठ रखे है। ये भाई सनरूफ आ जाती है, ब्लाइंड मैनुअल वाला काम है, लेकिन वन टच वाला सनरूफ नहीं है, जितना आपको खोलना है उतना ही बटन दबाओ उतना ही खुलेगा, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी ठीक चीज़ भी है। और बंद कर लो भाई ब्लाइंड। भाई देखो बम्प फील तो करवाती है, पर जैसे बोलते हैं ना, जैसे पुरानी महिंद्रा की गाड़ियों में थार तक भी, अभी नई वाली थार है उसमें भी मतलब भड़ 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 आवाज बहुत आती है सस्पेंशन की, इसमें आवाज नहीं है यार। सॉफ्ट है, स्टेबिलिटी में थोड़ा कंसर्न लग रहा है मेरे को, एक बार खींच के थोड़ी लेफ्ट राइट करके देखूं। बोनट का यार दिखता तो पूरा कौन है। विजिबिलिटी की बात करूं भाई सही है, मतलब कोई ऐसी किनारी नहीं है जो छुप रखी हो गाड़ी में। सही जा रही है यार, मजेदार है चलाने में भाई, दिल आ गया आज तो, दिल आ गया पूरा। स्टेबिलिटी और देखो यार एक बार इसकी, कहां देखूं
शवा भाई डरा दिया। स्टेबिलिटी भाई कंसर्न है स्टेबिलिटी बिल्कुल 700 के मुकाबले में स्टेबल बहुत कम है। मतलब हाई स्पीड पे कटाई जो होता है ना, ये कटाई मार लो गाड़ी में, वो नहीं है स्पीड में। एक बार इसका पंजा और दबा लूं, ये गई। एक बार तो सीट पे चिपका देती है भाई, 10 सेकंड भी नहीं हुई मुश्किल, 100 की स्पीड पकड़ लेती है। एक तो 700 पेट्रोल में, पता ही है क्या जहाज था, इसका वजन कहीं ना कहीं 700 से कम है, तो उसकी वजह से वेट वाला फैक्टर भी इसमें आ चुका है। और बहुत प्यारी भाई है पेट्रोल वाला मॉडल तो, पर हाँ तेल भी बहुत प्यारी पिएगी। MID में 4.5 की माइलेज दिखा रही है अभी। यही है टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ियाँ खींचते थोड़ी ज्यादा है, पर वैसे भी पेट्रोल वाला मॉडल शहर में आपको 7-8 इतना ही देगा, 9 अच्छे ज्यादा, हाईवे पे 12-13। वेटिंग भाई है, मतलब फेस्टिव सीजन पे मिलना शुरू होगी गाड़ी, और जो 4x4 वाला मॉडल है ना वो तो नए साल पे मिलना शुरू होएगा। तो भाई सोच समझ के पैसा लगाओ, बाकी जितना पैसा लगाओगे ना इस गाड़ी पे वर्थ है, एक एक पाई लगाने वाली वर्थ है, मजे आ रहे हैं नो डाउट। और संक्षेप में इस गाड़ी का मैं बताऊँ आप लोगों को, तो भाई स्टेबल कम है 700 के मुकाबले में, हाई स्पीड पे थोड़ी सी झोल मार रही है, मतलब डरा देती है, पर वैसे शहर में चलाने को भी, हाईवे पे चलाने को, क्रूज करने को भी बहुत प्यारी है कैमरा। हाय हाय भाई बहुत लैग मार रहा है कैमरा, अडेप्टिव तो है गाइडलाइंस पर अभी बहुत लैग मार रहा है कैमरा, शायद से टाइम से थोड़ा ठीक हो जाए, बाकी अभी बहुत खतरनाक लैग मार रहा है। इससे बढ़िया तो नॉर्मली ही देख लो। पूरा लैग मार रहा है भाई। संक्षेप में भाई बता दूं भाई, बहुत प्यारी गाड़ी है, लगा लो पैसा लगाना है तो। और ओवरऑल पैकेज 700 के कंपैरिजन में बताऊं तो हाँ, दोनों गाड़ियाँ अपने अपने क्षेत्र में ठीक हैं। 700 हल्की सी और लग्जरियस लगेगी, स्टेबल लगेगी, पर ये गाड़ी भी लग्जरी में कम नहीं है। सीट भाई बहुत प्यारी है, बहुत प्यारा कुशन दे रही है, अंडर थाई बोलो चाहे बैक का बोलो, 700 से कम्फर्टेबल सीट्स हैं, अभी बता देता हूँ। तो ये कुछ थी भाई आज की ड्राइव एक्सपीरियंस, और बहुत प्यारी गाड़ी है नो डाउट, ले लो, एक एक पैसा लगाना इस पे सही है। तो ये कुछ थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।